राम राम दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगा फरवरी मंथ का जो भी इनकम है और यूट्यूब इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है, वो सारे कुछ बताऊंगा। और फरवरी महीने का इनकम कैसे हुआ है वो कैसे बताएंगे। तो पहले सबसे पहले तो चलते हैं, ये जितना आइटम बचा हुआ है हमारे पास, आज है 1 मार्च 2024, और ये सामने झोला में भी है और इधर भी देखते हैं, इधर भी है। तो सारे माल अभी कितने का है हमारे पास, सारे को गिनती करते हैं, टोटल कितना का बचा हुआ है, सबको गिनती पहले कर लेते हैं, उसके बाद में सबको हिसाब करेंगे। और फिर जो है ना, पिछले 1 तारीख को जो कितना माल था वो सबके जो है ना माइनस प्लस करेंगे, और कितना माल लाए हैं सारे को भी माइनस प्लस करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कितना का पूरा इनकम हुआ है फरवरी मंथ में। तो पहले सबको गिनती कर लेते हैं टोटल माल को। टाइम दोस्तों अभी 8 बज रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है सारे को गिनती करने में। फाइनली दोस्तों, सारे को जो है गिनती करके और यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं, और इसको जो है ना अभी हिसाब करना बाकी है, तो हिसाब कर लेते हैं। और टाइम लगभग 1.5 घंटा समय लग गया है सबको गिनती करने में। तो चलिए गिनती कर लिया है। गिनती करने से ये होता है कि हमको मालूम हो जाएगा कि कितना पैसा का माल है हमारे पास आज के डेट में, और उसके बाद में सेल करने में और अच्छा लगेगा, और हिसाब सब कर लेंगे। तो इससे इतना पता हो जाता है कि हाँ इनकम हो रहा है महीने में। तो खर्चा तो हो रहा है, खर्चा हो रहा है वो तो अलग की बात है, लेकिन इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है हिसाब करने से पता चल जाता है। जब पता चल जाता है तो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, हाँ इतना इनकम हुआ है तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन जब हिसाब नहीं करते हैं, सीधे काम करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कितना का इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ। तो मुझे कितना खर्च हुआ है वो तो मैं लिखा हूँ सब मालूम है, लेकिन कितना इनकम हुआ है वो अभी पता नहीं चला है। तो हिसाब कर लेते हैं, देख सकते हैं गिनती तो कर लिया हूँ, अब हिसाब करना है। तो हिसाब सब करके और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने सारे को हिसाब कर लिया हूँ, सिर्फ जो लिख गिन गिन करके जो है ना लिखा हुआ था, हिसाब नहीं किया था। तो हिसाब कर लिया और देख सकते हैं इतना माथा पेची वाला हिसाब हुआ है, क्योंकि मुझे इनकम प्राप्त करना है इसलिए। तो आइए आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह से मैंने हिसाब किया हूँ, क्या माथा पेची है। तो दोस्तों, ये पूरा माल हिसाब किया हुआ है, देख सकते हैं लिखे हुए हैं। तो टोटल हमारे इस लाइन में जो है ना 15,154 रुपया हो गया, और फिर इधर हो गया 11,178 रुपया, दोनों को ऐड किए हैं, जोड़े हैं, तो हो गया है 26,332 रुपया। 26,332 रुपया का हमारे पास टोटल गर्मी वाला माल है। और इसको अब यहाँ पे लेकर चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे दोस्तों 26,332 रुपया का माल है, और 2,200 रुपया जो है ना ठंडी वाला कपड़ा हटा दिया हूँ, ट्राउज़र उजर बच गया था, तो क्योंकि अब गर्मी आ गया है तो हटा दिया हूँ, तो इसको भी इसमें ऐड करूँगा, तो हो जाएगा 28,532 रुपया। क्योंकि दोस्तों हमको जो है ना इनकम प्राप्त करना है, इसलिए हमको इतना सब जोड़ना पड़ा है। तो हो जाता है 28,532, और 5,500 रुपया कैश है तो उसको भी ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 34,032 रुपया। और फरवरी महीना में पूँजी में कम हो गया, तो हमने 20,000 रुपया डाला है, तो 20,000 भी माइनस करेंगे 34,000 में से, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14,032 रुपया। 14,032 रुपया का माल बचा, और पिछला महीना में जो है ना फरवरी में 18,188 रुपया हमको खर्चा हो गया ज़रूरी खर्चा में, और लोन कर्जा वर्जा सब लेकर के जो है ना 18,188 रुपया मैं निकाला हूँ। तो उसको जो है ना जोड़ूंगा, 14,000 माल और 18,188 रुपया निकाला हूँ जो, तो हो जाएगा 32,220 रुपया। और 18,150 रुपया क्या है, तो 18,150 रुपया हर 1 तारीख को मैं हिसाब करता हूँ, जैसे कि फरवरी में 1 तारीख को हमारे पास कैश और टोटल मिला के 18,150 था। 32,220 रुपया में 18,150 रुपया माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14,070 रुपया। तो हमारे पास इनकम जो है ना 14,070 रुपया हुआ 17 दिन के फेरी करके। तो 17 दिन के फेरी करके 14,070 रुपया हुआ, तो कितना का रोज पड़ा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इतना हमको करना पड़ा है। और साथ ही साथ अब आते हैं आज के डेट में हमारे पास टोटल माल और कैश क्या है। तो हम जो है ना 26,332 रुपया गर्मी वाला जो है देख सकते हैं, 26,332 रुपया, तो ये हो गया हमारा गर्मी वाला कपड़ा आज के डेट में, और 5,500 रुपया इसमें कैश ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो हो जाता है कितना 26,332, और इसमें 5,500 रुपया और जोड़ेंगे कैश,
तो हो जाएगा कितना, 31,832 रुपया। देख सकते हैं 31,832 रुपया। तो हमारे पास टोटल जो है ना आज के डेट में 1 मार्च 2024 के दिन 31,832 रुपया का टोटल माल और कैश मिला के दोनों है। अब जो है नेक्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2024 को फिर हिसाब करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास टोटल माल कितना का बचा है, कितना कैश है, कितना इनकम हुआ है, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आज के डेट में 31,832 रुपया का माल और कैश दोनों मिला करके हैं। तो हमारे पास तो हिसाब का बता दिया कि कितना है, क्या है, कितना इनकम हुआ है, कितना माल बचा हुआ है ठंडी वाला हटा उठा करके। और अब आते हैं दोस्तों यूट्यूब इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो है ना फरवरी महीने में पूरा यूट्यूब इम्प्रूवमेंट हुआ है 850 वाच घंटा, नया वाच घंटा 850 घंटा, और सब्सक्राइबर जो है ना 240 था और 460, यानी कि 220 नए सब्सक्राइबर हुआ है। तो ये हमारा यूट्यूब इम्प्रूवमेंट है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इनकम बताने का पर्पस यही है कि दोस्तों हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं कि सच में इनकम होता है अगर सही से काम किया जाए तो, काम समझ के काम किया जाए तो। और ऐसे ही किया करेंगे तब तो पता ही नहीं चलेगा, कमाई भी नहीं होगा, खर्चा भी बहुत होगा। तो चलिए इनकम होता है ये आप लोगों को मैं बताया हूँ, और साथ में साथ वीडियो भी बना दिया हूँ इसलिए मुझे याद रहे इसके लिए। और YouTube इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, बैठे है इतना नहीं है, हो रहा है, कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो रहा है। चलिए मुझे मोटिवेट मिला है, बहुत मोटिवेट मिला है जनवरी महीना से जो है ना, फरवरी में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और अभी मार्च महीना में मैं चाहूँगा कि फरवरी में जो इनकम हुआ है और यूट्यूब इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसा ही न्यू वीडियो में अगले महीना अप्रैल 1 तारीख को। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।